बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में झांसी के गरौठा में आज करीब 70 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें सभी वाहन चालकों को हिदायत के साथ आगे से लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई। एसएसपी जेके शुक्ल के निर्देशन में गरौठा पुलिस क्षेत्राधिकारी और गरौठा क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज चेकिंग के दौरान वन विभाग के एक अधिकारी को बिना सीट बेल्ट के चार पहिया गाड़ी चलाते हुए पाया गया। पुलिस के रोकने पर वन विभाग का जिम्मेदार अधिकारी भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पकड़कर उनका चालान काट दिया। क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सिंह चंदेल व क्षेत्राधिकारी बलधारी सिंह ने कहा कि उन्होंने वाहन चालकों पर समन शुल्क और चेतावनी के साथ आगे से लापरवाही न बरतने और परिवहन नियमों पर चलने की बात कही। शासनिक स्तर पर बहुत बड़ी मॉनिटरिंग हुई है, हजारों लोग हर साल बेवजह एक्सीडेंट में हो जाती है, ये काफ़ी गंभीर समस्या है। इसलिए शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि अभियान चला के सभी को सुरक्षित चलने के लिए कहा जाए, और जो भी नियम विरुद्ध गाड़ी तीन सवारियां हैं, हेलमेट है, गाड़ी तेज चला रहे हैं, हमने जो सीट बेल्ट नहीं है काली। न्यूज बुंदेलखंड के लिए गरौठा से विकास बिदुआ की रिपोर्ट। राम राम भैया, जैसो कि आपको पता है कि बुंदेलखंड को एकमात्र चैनल है न्यूज बुंदेलखंड, और अब तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजो आ गओ, अब तो जान खबरें आप देखो जामे बुंदेली भाषा में देखो। तो भैया देखो ना भूलियो न्यूज बुंदेलखंड।